मैं कभी निकली नहीं चार दीवारी से। अगर तू चार दीवारी से ना निकली तो चार दीवारी से निकली तो ऐसी निकली बंदरिया की तरह कूद के तीन बॉर्डर फांग आई। लप्पू सा सचिन और झिंगर सा लड़का, बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलवा पावे ना, और अगर बोलने की कोशिश करे तो सीमा कभी हाथ बीच दे, कभी मुंह पे हाथ फिरा दे, तो ये प्यार है। इसको प्यार कहते हैं, इसको कहते हैं छिछोर। वकील है, किस तरीके की बात हुई और किन चीजों को लेकर निकले, आगे की क्या आपकी तरफ से क्या होगा? देखिए भैया, वकील सारे भाई मेरे समर्थन में हैं जितने बैठे हैं, बाकी यही है नोटिस वगैरह हमको मिला नहीं है तो उसी के बारे में बात है, नोटिस आएगा तो उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। क्या और किन चीजों पर चर्चा हुई, क्योंकि उनका ये कहना है पिसिंग का कि मेरे द्वारा नोटिस भेज दिया गया है। अब नोटिस मिलेगा जब ही तो किसी बात पे चर्चा होगी, पहले नोटिस तो आने दो, देखने तो दो कि नोटिस में है क्या, उसके बाद ही तो कुछ करेंगे ना। सामने देखिए जो अपने वकील बैठे, कौन कौन से कोर्ट से यहाँ पर मौजूद है? भैया ये तो अपने परिचय खुद ही देंगे। अच्छा, एपी सिंह का ये कहना था कि आपने एक बार तो बोल दिया उनको जिस तरीके से सचिन को, आप बार बार आप अपने आप को हाईलाइट करने के लिए एक ही वर्ड हर चैनल पर यूज कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप कानून का भी उल्लंघन कर रही हैं। भैया ना तो मैं ये मानती कि मैंने कानून का उल्लंघन किया है कहीं भी, ना मैं ये मानती कि क्या कह रहे हो बॉडी शेविंग फेविंग जो भी है हाँ वो करो, ना मैं ये मानती कि वो कह रहे हैं कि सोच समझ के टारगेट करके, क्यों मैं नॉर्मल में जो शब्द बोले आम भाषा में वो वायरल है, मीडिया बार बार दिखा रही है, मीडिया वाले बार बार बुलवा रहे हैं, तो मिस्टर एपी सिंह से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सबके ही खिलाफ भेजें, सारे न्यूज चैनल करो कार्रवाई।